हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और अब की बार विधानसभा का मॉनसून सत्र नहीं होगा, ये जानकारी विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज को दी है। कोरोना की महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में अब रियायतें दी जाने लगी हैं। इसी के चलते जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो मॉनसून सत्र है लोकसभा का वो समय से होगा। जब मॉनसून सत्र लोकसभा का समय से होगा तो राज्य भी विधानसभाओं में अपने मॉनसून सत्र करती है, ये रिवायत हरियाणा में भी शुरू हुई है। आइए हम जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष से कि मॉनसून सत्र हरियाणा में होगा। ज्ञान जी, आपने सुना कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि लोकसभा का जो मॉनसून सत्र है वो समय पर होगा, हम भी यहाँ पर मॉनसून सत्र करते हैं, क्या हमारी कोई तैयारी हो रही है? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है, लॉकडाउन 4 की आगे हम सोच रहे हैं कि वो एक्सटेंड होगा, और लॉकडाउन के रहते हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर जो हम जोर दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है हमारी विधानसभा की रचना के मुताबिक, सिटिंग कैपेसिटी के मुताबिक, क्योंकि जिस प्रकार हमारा सिटिंग प्लान है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन के रहते और इस सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए इस समय कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लगती कि हम सेशन कर पाए। ज्ञान जी, यहाँ पर जो है विधानसभा का जो परिसर जो आपका सचिवालय है यहाँ पर खूब रौनक लगी रहती थी, विधायक गायब गाए आते थे, आप भी हर रोज यहाँ पर आते हैं, एक मेलजोल बना रहता था। लॉकडाउन के दौरान पता चला कि आपने वो मेलजोल बनाए रखा है, किसी विधायक का जन्मदिन आता है तो आप उसे टेलीफोनिकली विश करते हैं, वो क्या सारा आपने इस इनोवेटिव जो आइडिया इस लॉकडाउन के दौरान आया ताकि एक जो दूरी है, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं हाउस के, तो क्या एक आपने आइडिया अपनाया, क्या करते हैं आप इसमें? देखिए, ये हमारा विधानसभा जो है, विधानसभा के सभी 90 सदस्य वो हमारा एक परिवार है। इस विधानसभा परिवार के साथ बातचीत होती रहे, मेलजोल होता रहे, उसके लिए मैंने बहुत सारे विधायकों को इसके दौरान उनका हालचाल पूछने के लिए एक उनसे बातचीत भी की है, और उसके साथ साथ एक प्रक्रिया जो हमने शुरू की है कि हमारे जितने भी विधायक हैं उनके जन्मदिन के ऊपर उनको बधाई संदेश भेजना और टेलीफोन से उनको टेलीफोन के द्वारा उनसे उनको बधाई देना उनके जन्मदिन दिवस की, तो एक ये हमने नई जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू की है। शुक्रिया। तो आपने सुना, ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी जो बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, क्योंकि इनके पास इतनी जगह यहाँ नहीं है, ऐसे में मॉनसून सत्र जो है वो नहीं बुलाया जाएगा, अब तक की पूरी संभावना यही है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जो विधायक गण हैं उनके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए टेलीफोनिकली उन्हें विश करने की या उनके बर्थडे पर विश करने की या उनका हालचाल जानने की एक नई प्रथा डाली है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।